हे गाइज दिस इज़ द विनोद पांडे एंड आई होप यू ऑल गैज एब्सोलूटली वेल तो अभी तक आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन में काफ़ी बड़े चेंजेस कर रखे हैं तो ये क्या क्या चेंजेस हैं आइए जानते हैं क्या टेन प्लस टू के बाद का सिस्टम जो चेंज हो रखा है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर में जो चेंज हो रखा है वो क्या है एक्चुअली में इसका क्या फंड है काफ़ी ज़्यादा लोगों के इस पर कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो इस बारे में इसमें बात करेंगे एंड देन क्या पी जो स्ट्रीम होती थी साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या वो चेंज हो चुकी है या वही रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे और काफ़ी कुछ बात करने को इस वाली वीडियो में है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखा है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पेपर वर्क में थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सो so आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल हूँ चलिए पेपर वर्क में न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम था अभी तक इंडिया का वो एम के अंदर आता था एम का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसी के अंदर जितना भी सारा जो है एजुकेशन का सिस्टम था वो इसी के अंदर आता था बट अब इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है सिर्फ है दोनों सेम चीज ही अभी भी बट इसका नाम बड़ा होता था करके इसे अब छोटा नाम दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिक पैटर्न सभी को पता है कि टेन प्लस टू होता था यानी कि बच्चा वन क्लास से टेंथ क्लास तक पढ़ेगा देन उसके बाद इलेवेंथ ट्वेल्थ करेगा काफी चेंज कर दिया है बच्चे की चार स्टेजेस होंगी जिसमें फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिस्टम को लागू कर दिया गया मैं लोगों को काफी ज्यादा कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी आगे चल के वीडियो में पता चलेगा मैं तब तक बात कर लेते कि और क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं देन स्ट्रीम सिस्टम यानी कि आप जैसे ही टेंथ तक जाते थे उसके बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी कि साइंस स्ट्रीम में जाना है कि आर्ट्स uh, में जाना है कॉमर्स में जाना है तो वो स्ट्रीम सिस्टम हो गया था इस सिस्टम को अब जो है खत्म कर दिया गया है इसकी जगह अब जो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम आ चुका है उसके बाद हमारे पास सभी को पता है कि टेन प्लस टू में जो है एडमिशन जब बच्चा छः साल का होता था तो एडमिशन छः साल में स्कूल में हो जाता था और बच्चा जो है बारह साल की एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट से लेता था बट अब फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिस्टम के अंदर क्या होगा कि एडमिशन बच्चे का जब वो तीन साल का होगा तो तीन साल से ही बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और उसको एजुकेशन मिलेगी पंद्रह साल की यानी कि तीन साल एक्स्ट्रा की एजुकेशन बच्चे को मिलेगी अब हम बात करें फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर एजुकेशन सिस्टम का ये काफी तगड़ा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें चार स्टेजेस होंगे मतलब जो ये फाइव है थ्री है थ्री है और फोर है ये जो है उनके एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब जब बच्चा पहले के पाँच साल की स्टेज क्या होगी उसकी तीन साल की क्या होगी अगले तीन साल की क्या होगी और चार साल की क्या होगी यानी कि बच्चों को एजुकेशन स्टेज के अकॉर्डिंग मिलने वाली है जो काफ़ी तगड़ा गवर्नमेंट का डिसीजन है तो आइए जानते कि यह सिस्टम है क्या और इन स्टेजों के अंदर क्या क्या होने वाला है तो सबसे पहले पहले पाँच साल की अगर हम बात करें पाँच साल की पढ़ाई जो होगी वो फाउंडेशन स्टेज के अंदर होगी गया दो टाइप्स में जो है बांटा गया है पहले के तीन साल और बाद के दो साल यानी कि पहले के तीन साल जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको कोई भी बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है किताबों का भारी भरकम बोझ ले जाने का जरूरत नहीं इस टाइम पे क्या होता था कि हम बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल दे रहे थे छोटी छोटी एज के बच्चे भी काफ़ी बड़ा बैग बस्ता भारी भरकम बस्ता लेकर स्कूल जा रहे थे जो काफ़ी गलत हो रहा था इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है और पहले के तीन साल केवल गेम्स होंगे बच्चे के देन उसके बाद अगले दो साल में वो पहली क्लास और दूसरी क्लास में एंटर करे इस पूरे पांच साल का इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि इस पूरे पाँच साल में बच्चों को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा यानी कि बच्चे स्कूल जाने से डरते क्यों हैं इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की तो उनमें से पहला रिजल्ट यही निकला कि बच्चों एग्जाम से डरते हैं तो बाद नेक्स्ट थ्री इयर्स में जो है प्रिपेटरी स्टेज आएगी ये भी तीन साल की होगी इसमें बच्चा जो होगा क्लास थर्ड से फाइव जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास तो उसने फाउंडेशन स्टेट में पास कर दी थी देन उसके बाद बच्चा क्लास थर्ड से फाइव में जाएगा इस प्रिपेटरी स्टेज में इसमें क्या होगा कि उसमें एक्टिविटी होगी और स्टडी स्टार्ट की जाएंगी इसमें और एग्जाम भी यहाँ से लेने स्टार्ट कर दिए जाएंगे इस स्टेज से इस प्रिपेटरी स्टेज में बच्चा अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है यानी कि कोई पंजाबी है तो पंजाबी में टू फाइव की क्लास पंजाबी में ले सकता है और कोई जो तेलुगु है तो तेलुगु में मतलब मदर टंग में वो ले सकता है कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा कि उसे इंग्लिश में ही पढ़ना है या हिंदी में ही पढ़ना है ये सब पे लागू हुआ जो काफ़ी तगड़ी चीज है नेक्स्ट स्टेज में आएगा जिसे कहते हैं मिडिल स्टेज कहा जा रहा है ये भी जो है अगले तीन साल की स्टेज होगी जिसमें बच्चा जो है क्लास सिक्स टू एट में जाएगा यानी क्लास छः से एट में जाएगा इसमें बच्चे को काफ़ी तगड़ी तगड़ी नॉलेज मिलने वाली है क्योंकि इसमें एक सिक्स क्लास से बच्चा कंप्यूटर कोडिंग करने लग जाएगा कंप्यूटर कोडिंग का मतलब है कि जैसे हमें आपस में बात करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है तो वैसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए उससे काम करवाने के लिए हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तो उसे ही कंप्यूटर कोड कहते हैं कंप्यूटर कोडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये कि कंप्यूटर लॉजिकल थिंकिंग पे बेसिस होता है यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की इससे बढ़ेगी और मैथ्स भी स्ट्रांग होती है तो उसके बाद आता है वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब अभी हमें काफ़ी पहले से कहा जाता है कि इंडियन एजुकेशन में प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते हैं बस रटनती ज्ञान दिया जाता है बच्चों को अब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी हमारे इंडिया में खुद जैसे बड़े का कारपेंट्री का दर्जी का जो काम होता है उसे छोटा समझा जाता है बट बाहर कंट्री में उन्हें जो है बच्चों को छोटी सी स्टेज में ही इन सारी चीज़ों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाया जाता है वही चीज इंडिया में भी करने वाले इस वोकेशनल के थ्रू जो प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाएंगी जिससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी छोटी उम्र से ही और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना सीखेंगे और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी देन उसके बाद जो है नॉर्मल जो होती है चीज़ें मैथ साइंस आर्ट्स ये तो चलते रहेंगे तो नाइन्थ के बाद उसे चार साल की स्टेज को पार करना पड़ेगा जिसे कहा जा रहा है सेकेंडरी स्टेज ये चार साल की होगी इसमें बच्चा क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ जाएगा यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है एक बच्चे का नाइन्थ टू ट्वेल्थ और इसी में बच्चा काफी ज़्यादा फ्रस्ट्रेड भी होता है उसके अंदर बर्डन्स आ जाते हैं उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो साइंस में जाए मैथ्स में जाए स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है अब आपको कोई भी स्ट्रीम चूज करने की जरूरत नहीं है यानी कि जो भी स्ट्रीम थी स्ट्रीम सिस्टम अब खत्म हो गया है कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब आप मैथ्स के साथ कॉमर्स भी ले सकते हो बायोलॉजी भी ले सकते हो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हो इस बार एग्जाम पैटर्न में भी काफी ज्यादा चेंज किया जाएगा मतलब जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे मतलब साल में दो बार एग्जाम्स कराए जाएंगे एग्जाम्स का पैटर्न होगा वो मतलब टाइप से नहीं होगा मतलब इसमें जो भी होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होगा और इसी सेकेंडरी स्टेज में आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगी सो so, आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि अगर अब ना साइंस स्ट्रीम है ना कॉमर्स स्ट्रीम है और ना आर्ट्स स्ट्रीम है तो ट्वेल्थ के बाद आगे की एजुकेशन कैसे होगी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ग्रेजुएशन में जो आर्ट्स वाले होते थे वो बीए करते थे और जो साइंस वाले होते थे वो बीएससी करते थे और जो कॉमर्स वाले होते थे वो बीकॉम करते थे बट अब न साइंस स्ट्रीम है ना आर्ट्स स्ट्रीम है और ना कॉमर्स स्ट्रीम है तो ये बी ए होंगे कैसे तो so गवर्नमेंट ने इन सारे सिस्टम्स को अब हटा दिया है तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपके नए पैटर्न आ रखे हैं इससे पहले जो है तीन साल का ग्रेजुएशन होता था तीन साल पूरे ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक डिग्री मिलती थी बट अब क्या होगा कि आपको एयर वाइज आप जितना पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे और आप बीच में छोड़ दोगे तब भी आपको उसकी सर्टिफिकेट मिलेंगे पहले ऐसा नहीं होता था कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर आपने किया तो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट जैसे ही होगा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा देन उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाएंगे सेकेंड ईयर आपका जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा एंड थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर कम्प्लीट होगा आपका तो रिसर्च आप का सर्टिफिकेट मिलेगा या मल्टीपल एंट्री एग्जिट पहले क्या होता था कि अगर आप तीन साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ के जाएंगे और माना कि कभी दो तीन साल बाद वापस आए दोबारा करने को तो आपको शुरू से करना ही पड़ेगा फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा और दोबारे से पढ़ना पड़ेगा लेकिन अब क्या है कि ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट है मतलब आपने क्या किया दो साल तक आपने ग्रेजुएशन की दो साल तक आपने पढ़ा पढ़ने के बाद आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लिया देन आपने छोड़ दिया दो तीन साल के लिए उसके बाद जब आएंगे आप दोबारे उसके बाद जब दोबारा ग्रेजुएशन करने आएंगे तो आपको शुरू से फर्स्ट ईयर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास तो अब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पहले से है सर्टिफिकेट है आपके पास डिप्लोमा है पहले पास पहले से ही आपके पास तो आप सीधे थर्ड ईयर में एंटर कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कैसे होगा तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन दो साल का होता था और ग्रेजुएशन तीन साल का होता था टोटल पांच साल का होता था तो अभी भी आपके पूरे पांच साल ही लगने वाले हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं मतलब जिन लोगों ने तो इसमें फंडा क्या है कि जो पहले तो जो एम एम एस सी एम कॉम होते थे ये सब हट गए हैं अब ये नहीं होंगे अब जिन लोगों ने तीन साल का ग्रेजुएशन कर रखा है मतलब डिग्री ले रखी है जिन लोगों ने तो उनको दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा उनका दो साल का पीजी होगा देन जिन लोगों ने यहाँ चार साल रिसर्च कर रखी है तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन केवल एक साल का होगा यानी कि टोटल कुल मिला आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पाँच साल का ही होने वाला है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है और गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था आई होप यू रियली इंजॉय दिस वीडियो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देना और नीचे मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी सो ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बाय बाय